सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूँ आपके साथ डीडीएन गेमिंग पे दीप। तो मैं आज से माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर एक नया चैनल मतलब नया वर्ल्ड खोल रहा हूँ। इस वर्ल्ड का नाम मैं दूंगा डीडीएन गेमिंग 1529 वर्ल्ड। और मैं यहाँ पर अपना जो स्टार्टिंग मैप और बोनस चेस्ट है, मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ 1314 1314 05 0977। और मैं यहाँ पर शो कोऑर्डिनेट्स को भी ऑन कर दे रहा हूँ। तो मैं आज से सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। मेरा जो है 41 वाला एक फैमिली है, तो छोटा मोटा फैमिली है। तो आप सब लोगों की सपोर्ट में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पर मेरा वर्ल्ड लॉगिंग हो चुका है। तो मैं मैप दिया है मुझको, तो मैं पहले एक बोनस चेस्ट जो है इसको देख लेता हूँ क्या क्या है इस बोनस चेस्ट पे। और यहाँ पर साइड पे जो टॉर्च है, मैं माइनक्राफ्ट का गिफ्ट जो है, मैं इसको छोड़ के से सकता हूँ। तो मैं इसको क्राफ्ट करके ले लेता हूँ। और मुझे यहाँ पर चेस्ट से कैरेट मिल चुका है, इतना रेयर, और बहुत सारी चीज़ें मिल चुके हैं। तो मैं यहाँ पर आसपास का थोड़ा माहौल जो है इसको देख लेता हूँ, मतलब कहाँ पर स्पॉन है। वो देखो, शिप मिल गया। शिप तो माइनक्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रात को जो ज़ोंबी वगैरह आते हैं ना, उनसे बचने के लिए हमें शिप से ऊल मिलता है। ये देखो ऊल, और ऊल से हम लोग बेड बना सकते। ओ, तीन तीन ऊल चाहिए बेड बनाने के लिए, और मुझे यहाँ पर तीन ऊल भी मिल चुके हैं। पहला शिप गया, दूसरा भी गया, और एक तीसरा बचा बड़ा बचा है। ओ, भाग कर रहा है। रुक जा तुझको मैं मारता हूँ, रुक जा रुक जा। ओ देखो, पानी पे चला गया, तो मैं फिर भी मार दिया। तो गाइस, मैंने यहाँ पर इसको मार दिया है, और पानी से ऊपर उठ जाता हूँ। यहाँ पर क्या है मिला मुझको? और बहुत सारा लूट जो है माइनक्राफ्ट ने मुझे दिया है। मैं यहाँ पर एक जो माउंटेन था उसको देखो, मैप मैंने क्रिएट किया है, और मैं मैप की बिल्कुल कोने पे हूँ। तो गाइस, माइनक्राफ्ट का पहला रोल होता है ट्री, मतलब पेड़ काटना। तो मैं यहाँ पर पेड़ काटना भूल गया था, तो अभी मैं भी यहाँ से पेड़ काट देता हूँ। और मुझे एक्स माइनक्राफ्ट वालों ने वो बोनस चेस्ट में दे रखा था। एक पेड़ काट लिया, और दूसरा पेड़ का, हाँ ये हाँ, दूसरा पेड़ भी मैं काट लेता हूँ। और काटने के बाद जो टूल्स है, टूल्स वगैरह है, टूल्स को मैं अपडेट कर लेता हूँ स्टोन टूल्स में। तो गाइस, सामने यहाँ पर माउंटेन है, और मुझे भी स्टोन भी मिल चुका है। तो मैं इस स्टोन को माइन करता हूँ, और मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पर एक छोटा मोटा बेसमेंट जो है, बेस बनाने का, वो रात को ज़ोंबी ज़ोंबी वगैरह से बचने के लिए। गाइस, मैं यहाँ पर कॉबल स्टोन माइन कर रहा हूँ। माइनक्राफ्ट के ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। अगर हम लोग स्टोन माइन करते हैं, तो हमको स्टोन नहीं मिलता, कॉबल स्टोन मिलता है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर स्टोन टूल्स अपडेट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर जो है छोटा मोटा एक बेस बना दिया है ज़ोंबीस वगैरह से बचने के लिए। तो बीच में रात हो गया था, तो मैं सो गया था बेड बना के। तो वो देखो, एक ज़ोंबी है, इसको मारता हूँ तेरी भैंस की टांग, रुक जा। और देखो, ज़ोंबी ज़ोंबी वगैरह ये दिन में जलने लगते हैं। और देखो, यहाँ पर एक पिक है, खाने का इंतज़ाम हो गया, पिक को मार दिया। बस मुझे स्केलेटन का आवाज़ आ रहा है आप आस पास से। कहाँ है स्केलेटन? स्केलेटन कहाँ गया? गाय को तो मार दिया, स्केलेटन कहाँ है? देखिए, एरो एरो मारा मुझ पे, पर लगा नहीं। स्केलेटन कहाँ है? वहाँ से, हाँ वो देखो, स्केलेटन है, स्केलेटन वहाँ पर, वो पेड़ों के बीच में। रुक जा, तेरी भैंस की टांग से मुझे मारेगा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, स्केलेटन के बच्चे जल के ही मर गया। मुझे एक्सपी भी मिल गया। और देखो, हड्डी और क्या, और एरो ड्रॉप किया है, और ज़ोंबीज़ ने किया रोटेन फ्लैश, खाना वगैरह ड्रॉप किया है। सो गाइज, मुझे लगता है कि यहाँ पर रहने से, बेस बना के रहने से अच्छा है कि मैं आसपास एक विलेज को ढूंढता हूँ। तो विलेज ढूंढने के लिए मैं पानी से जाऊंगा, और इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक नाव। तो नाव बनाने के लिए मुझे पहले शवल चाहिए होगा। शवल कहाँ है? हाँ, ये पहले स्टिक बनाता है, और फिर शवल। और हाँ, मैंने बोट भी बना लिया है,
चलो बोट्स को प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। हाँ प्लेस करके चलते हैं। तो मैंने बोट को प्लेस कर दिया और ये देखो, और ये मैं आसमान के ऊंचाई में चारों तरफ को आ रहा हूँ। वो देखो क्या स्पीड है मेरे बोट की। वो गेम इतना लैग क्यों कर रहा है। तो गाइस मुझे यहाँ पर विलेज मिल चुका है और ब्लैक शीप को भी मैंने मार दिया है। और मेरे पास मैंने रास्ते में बहुत सारे शीप्स को मारा है और खाने के इंतजाम भी कर दिया है। इस यहाँ पर इस विलेज को लूट लेता हूँ, देखता हूँ। ओ देखो वहाँ पर शीप्स है। ये मुझे कितने सारे शीप्स मिले हैं इस विलेज से और खाना भी मिला है। मजा मजा तेरी भैंस की तरह मजा। हाँ तो मैं इस गेम पे नया हूँ तो कोई मुझे नोब नहीं बोलेगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो विलेजर्स को लूट लिया है खाना वगैरह। और मैं यहाँ पर एक पिक को भी मार चुका हूँ तो वहाँ पर मुझे वीट दिख रहा है। और कैरेट को भी मैन कर लेता हूँ। वीट कहाँ है? हाँ वो वहाँ पर वीट है। तो वीट्स को मैं मैन कर लेता हूँ क्योंकि इससे हम ब्रेड बना सकते हैं और ब्रेड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो विलेजर आ रहा है मुझे भगाने। तो देखो गाइस वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ है। मतलब इन लोगों को ब्लैक स्मिथ नहीं मिलते और मुझे यहाँ पर। तो टेक्नो गेमर्स की परंपरा, तेरी भैंस की टांग। रुक जा तो रुक जा। टेक्नो गेमर्स भैंस को मारते हैं तो मैं भी मारूंगा तेरी भैंस की टांग। हाँ तो मैं यहाँ पर इस ब्लैक स्मिथ के चेस्ट को लूट लेता हूँ। क्या है इस चेस्ट पे? ओ गाइस डायमंड भाई। मतलब यूट्यूबर्स डायमंड कितने मतलब कितने ब्लॉक्स ट्रेवल करने के बाद मिलते हैं और मुझे इतनी कम समय में इतना 5 डायमंड मिल गया। मतलब कुछ भी। और यहाँ पर हेवेल्स है और मैं यहाँ पर हेवेल्स को माइन करूँगा। तो यहाँ पर एक घर मुझे पसंद आया तो मैं इस घर पे रहूँगा। मतलब देख सकते हो मेरा नसीब कितना अच्छा है, मुझे डायमंड्स मिल चुका है। मैं यहाँ पर चेस्ट, हाँ जो बेड्स हैं, हाँ चेस्ट है। मैं चेस्ट पर यहाँ पर चीज़ों को रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डबल चेस्ट प्लेस कर दिया और यहाँ पर मेरा रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर दिया। और तो इससे होता क्या है, अगर हम लोग कहीं पर भी मरते हैं तो हम लोग जो है यहाँ पर रिस्पॉन होंगे पहले जगह पे नहीं। तो गाइस ये विलेज वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है विलेज। और यहाँ पर कुछ हेवेल्स है, हेवेल्स से हम लोग को वीट्स मिलते हैं और वीट्स से हम लोग ब्रेड बना सकते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को तो पता ही है। यहाँ पर क्या है, आलू है और बीट रूट्स है। मुझे नहीं चाहिए तो ले ले गाइस। यहाँ पर बीट्स हैं, मैं बीट्स को माइन कर लेता हूँ। तो मैं आज घर नहीं बनाऊँगा, मैं कल घर बनाऊँगा। कल एक अच्छा सा जगह ढूँढ के मैं कल घर बनाता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेगा। तो मैं 2-3 दिन बाद जो इसका पार्ट 2 है वो अपलोड कर दूँगा। गाइस शाम हो रहा है। ओ देखो एक भैंस मिल गया। मतलब खाने का तो एकदम पूरा जुगाड़ हो गया। अब कोई टेंशन नहीं है, सरवाइव करने का मतलब पूरा पूरा सामान मिल गया। देखो कितने सारे हॉर्स है यहाँ पर। देखो हाँ मैं यहाँ पर एक छोटा मोटा घर बना सकता हूँ। नहीं छोटा घर क्यों बनाए बड़े, कितना सारा जगह है यहाँ पर। गाइस यहाँ पर भी बेड्स हैं, ऊपर भी चेस्ट होना चाहिए। हाँ चेस्ट मिल गया। चेस्ट पे क्या? ओ गोल्ड्स नगेट्स। हाँ गोल्ड्स नगेट्स, अच्छा।
बहुत अच्छा चीज़ है, उसने कुछ मिल गया है गाइस। यहाँ पर से निकलते वो देखो विलेजर घर आ रहा है, शाम हो गया है ना इसलिए, वरना उनके भी मम्मी डांटेंगी उसको। यहाँ पर मुझे एक और रूम मिल गया है, ब्लैक स्मिथ ही शायद है। क्या है इसके चेस्ट पे? ब्रेड, ब्रेड मतलब इतना गंदा रोल। खैर रहने दो, मुझे तो डायमंड मिल चुका है। यहाँ पर चेस्ट, हाँ कुछ खाने का सामान दे रखा है हमें। मैं लूट के घर जाता हूँ क्योंकि रात हो रहा है, वरना ज़ोंबीज वगैरह अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। बस देखो रात में मेरा विलेज जो है कितना खूबसूरत लगता है, और यहाँ पर कैट्स भी भाग रहे हैं। मुझे एक कैट्स को टेम कैसे करते हैं? फिश खिला के शायद कैट्स को टेम करते होंगे। ये देखो मेरे घर पे सो रहा है, मैंने यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट सेट किया था। चल उठ, मैं सोऊंगा यहाँ पर, तू गए और जाके सो जा। हाँ सुबह हो गया है, बाहर निकलते हैं देखता हूँ। हाँ बहुत अच्छा सुबह है। हाय गोलम, हाय आयरन गोलम, मैं तुम्हारे विलेज का नया रहने वाला एक नया बंदा हूँ, मुझसे समझ के रहना। तो यहाँ पर कुछ खाने का और जुगाड़ करना पड़ेगा। ओ वहाँ पर मैं घर बना सकता हूँ, वहाँ पर फ्लैट जगह दिख रहा है, बहुत बड़ा वाला एरिया है। यहाँ पर दो शिप्स है, एक को मार दिया और दूसरा बच गया। मैं भी नहीं छोड़ूंगा इसको, तू मर जा मर जा। देखो मार खाने के बाद घास खा रहा है आके, मतलब लॉजिक, मतलब इनको कितना खाना चाहिए। पिको भी मार दिया, खाने का तो पूरा इंतज़ाम हो गया। तो गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और सब्सक्राइब करके जाना।